नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक अहम मसले पर बात करने के लिए। आज की गुफ्तगू में हमारे साथ हैं खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा शेख सरताज रज़वी साहब क़िबला, जो पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। पूरी दुनिया के लोग इनके बयानात को यूट्यूब और सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म पर सुनते हैं। इसके अलावा मुल्क भर में हज़रत की तकरीरें होती हैं। हज़रत आपका खैर मकदम है आज हमारे साथ बात करने के लिए। आज हम जिस मसले पर बात करने वाले हैं हज़रत, वो नहायत ही अहम मसला है। अय्याम मुहर्रम में हमारे यहाँ अवाम मोहब्बत हुसैन का नाम लेकर मुसलसल ढोल ताशे बजाती है हमारी अवाम जी। और रातों को गश्त निकालते हैं। रात 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 भर हमने देखा है कि ढोल बज रहे हैं, ताशे बज रहे हैं, लोग उछल रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं। और मैंने बास देहात के बारे में सुना तो है ही, एक देहात में मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे बचपन का मामला है और इतना भी मैं बच्चा नहीं था कि मैं चीज़ें नहीं समझता था। मैंने खुद देखा है कि वहाँ इमाम साहब ने ढोल बजाने से, यानी इमाम साहब से मुतालबा था कि आप भी ढोल बजाएं, इस जुलूस में शामिल रहें, उन्होंने बजाने से इनकार किया तो उनको मस्जिद से ही निकाल दिया लोगों ने, कहा ये सुन्नी ही नहीं है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ हुजूर, क्या मोहब्बत हुसैन का नाम लेकर ये ढोल ताशे बजाना शराई तौर पर दुरुस्त है? इस पर ज़रा आप खुलासा फरमाएं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, अल्लामा इम्तियाज़ बरकाती साहब क़िबला, जो आपने सवाल फरमाया ढोल ताशों के ताल्लुक से, खेल कूद के ताल्लुक से, जो इमाम आली मकाम के नाम पर की जाती है, सबसे पहली चीज़ तो हम इसमें ये वाज़े करना चाहते हैं और उन लोगों से जानना चाहते हैं कि जो लोग ढोल बजाते हैं, शरई हुक्म क्या है, शरई हैसियत क्या है, ये भी क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन उससे पहले इस पर बात कर ली जाए कि उन लोगों से पूछा जाए कि क्या समझकर ढोल बजाते हैं। भाई, अगर ढोल बजाने का मामला देखा जाए दुनिया में, तो ढोल ताशे वगैरह ये खुशी के मौके पर बजाए जाते हैं। कहीं जश्न मनाया जाता है तो ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, है ना, ढोल ताशे बजाए जाते हैं। तो इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर खुशी तो किसी को नहीं हो सकती, तो ये पहलू तो ख़त्म ही हो गया कि खुशी पे नहीं बजाते। अब दूसरा पहलू बचता है कि भाई इमाम अली मकाम शहीद हुए हैं तो उनकी शहादत का गम है। अब यही निकल के आया कि उनकी शहादत पर गम मनाते हैं और उसी गम में ही ढोल बजाते हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो चीज़ खुशी के मौके पर इस्तेमाल होती है, जो ढोल खुशी का इजहार करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो गम में क्यों कर इस्तेमाल हो रहा है? क्या कोई और ऐसा मौका आप हमें या बजाने वाले दिखा सकते हैं कि साहब नहीं जी, ये और भी ऐसे मौके हैं गम के जिनमें ढोल बजाया जाता है? ढोल का जो ताल्लुक है वो जश्न से है। ढोल अभी शरी हैसियत पर बात नहीं चल रही, ढोल का जो ताल्लुक है वो खुशी से है। अब इमाम आले मकाम की शहादत पर बजाने का मतलब क्यों बजाते हैं? तो जाहिर सी बात है, सबका जवाब होगा कि भाई वो शहीद हुए हैं, उन्होंने करबला की तमाम सरूबतों और मुश्किलों को फेस किया, उसका सामना किया, अपने तमाम जानसारों को कुर्बान किया, जो उनकी सेक्रीफाइस है, तो उसको सब जानते हैं कि भाई उनसे मोहब्बत के नाम पर बजाया जाता है और उनके गम में बजाया जाता है। यही चीज़ निकल के आती है ना, और यही जवाब भी होते हैं कि हम गम में बजाते हैं। तो अगर ये मान लिया जाए कि गम में ढोल बजाते हैं, तो फिर मैं उन लोगों से कहूँगा जो शिद्दत के साथ इस पर कलाम करते हैं और बहस करते हैं और ज़ोर देते हैं और ख़ुद भी बजाते हैं, दूसरों को भी बजाने पर आमादा करते हैं, मैं उन लोगों से कहूँगा कि फिर उन लोगों को अपने घरों में ये रस्म बना लेनी चाहिए कि जब भी उनके घर में गम का माहौल आए वो ढोल बजाए। ठीक है, जब भी उनके घर में गम का माहौल आए, यानी किसी का विसाल हो, किसी का इंतकाल हो,
तो वो उस पर भी ढोल बजाएं और अपने लिए भी वसीयत करें। हाँ, और अपने लिए भी वसीयत कर जाएं कि भाई हमने इमाम अली मकाम के गम में ढोल बजाया था, लिहाजा जब हम दुनिया से जाएं रुखसत हों तो वो गम का मौका होगा, तो हमारे जनाजे के पास हमें रुखसत करते वक्त ज़रा ढोल नगाड़े ज़रूर बजा देना। तो पहली चीज़ तो ये, कोई भी जी शूर जब इस पर सोचेगा, गहराई से सोचेगा, संजीदगी से जब सोचेगा और तन्हाई में इस पर फैसला करेगा, तो उसकी आत्मा, उसकी जो रूह है उसको झिझोड़ेगी, उसका ज़मीर उसको झिझोड़ेगा कि इमाम आली मकाम के नाम पर हम वो काम करते हैं जो अपने घर में नहीं कर सकते, गम में नहीं कर सकते। गम के मौके पर हम अपने घर में ढोल नहीं बजा सकते, बजा के देखो लग पड़ेंगे। कोई नहीं हाँ, सकता ऐसा जी, ये ढोल पर जोर देने वाले भी नहीं कर सकते। जी जी, तो हम यही तो जानना चाहते हैं कि जब तुम अपने घर में गम के मौके पर ढोल नहीं बजा सकते, तो इमाम आली मकाम की सेक्रीफाइस पर, उनकी कुर्बानी पर, उनकी शहादत पर किस लिए ढोल बजाते हो, क्यों बजाते हो? क्या ये उनके गम को मनाने का तरीका? ये कौन सी बात होगी, तुम अपना गम मनाओगे तो जो है सबके मुंह लटक जाएंगे और न किसी को बात करने दोगे, ना बोलने दोगे, हैं? और इमाम अली मकाम की कुर्बानी पर और उनकी शहादत पर गम के मौके पर तुम जो है ढोल बजाओगे? पहली चीज तो ये, ठीक है। अब मैं इसमें एक और चीज वाजे कर दूं, मोहतरम आपने फरमाया शरी हैसियत। अब शरी हैसियत की बात जहां तक है, तो मिश्कात शरीफ की हदीस है, आका करीम ने फरमाया मैं ढोलताशे यानी मजामीर वगैरह इन सबको मिटाने के लिए आया, बिना किसी गुंजाइश के, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये ढोलताशे वगैरह ये सब हराम है। तो अब जो इमाम अली मकाम के नाम पर, चाहे वो मोहब्बत का नाम लेके करे, चाहे गम का बहाना करे, खुशी का बहाना करे, कोई भी पहलू निकाले, वो इमाम अली मकाम के नाम पर हराम काम कर रहा है। अब उसको आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि इस हदीस को पढ़ना चाहिए कि आका करीम ने फरमाया कि मैं मजामीर को, यानी ये जो आज म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं और ये ढोलताशे, ये सब उसी में शामिल है, तो इन सब को मिटाने आया हूँ। आका करीम मिटाने आए हैं और तुम उनके नवासे के नाम पर उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो, तो ये सब हराम का इर्तिकाब कर रहे हैं, इसकी ये शरई हैसियत है। और अगर फिर भी कोई बजिद है इस पर बजाने के लिए, जो शरई हुक्म है वो तो वाजे हो गया, अब अगर कोई बजाता है तो उससे मुतालबा किया जाए कि तू भी अपने बारे में वसीयत कर दे, और अब तेरे घर में जो लोग भी बजाने वाले हैं, जब भी तेरा विसाल हो गया, तेरे घर में कोई भी दुनिया से जाएगा तो उसकी मौत पर ढोल बजाया जाएगा। एक चीज़ और, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिंदा है, कुरान ने उनको जिंदा कहा है, हर शहीद जिंदा होता है, फिर वो तो सैयदुल शुहदा है, ठीक है, कयामत तक के लिए जिंदा है। दूसरी बात यह है कि उनकी जो शहादत है वो एक अलग चैप्टर है, जिंदगी एक अलग चैप्टर है, ठीक है, जिंदा हैं और कयामत तक रहेंगे, शहीद जिंदा होता है, लेकिन उनकी शहादत यकीनन गमगीन करती है। करबला में जो मामलात पेश आए वो गम में मुब्तला करने वाले हैं, तो उस मौके पर उन अय्याम में खबरों के सबब तो हुजूर जी खुद हुजूर की आंखों में जी 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 हुजूर गमगीन हुए, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए इमाम आली मकाम से जुड़े हुए जो मामलात हैं, जब वो अय्याम आते हैं, मुहर्रम के अय्याम आते हैं, तो बिलखसूस उन अय्याम में इंसान का दिल जो होता है वो बोझल होता है, बिल्कुल बिल्कुल, उनके गम में मुब्तला होता है। तो इमाम आली मकाम के नाम पर ढोल बजाना ये बिल्कुल गैर शरई है और उनको नाराज करने वाला अमल है। बिल्कुल, आपने हजरत बहुत अच्छी तरह से वजाहत की और दो बातें आपने इसमें बयान फरमाई, एक तो शरई हैसियत क्या है वो आपने वाजे कर दिया और हदीस रसूल आपने उसके जिक्र में पेश कर दी, और साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि वो लोग जो जोर देते हैं इस पर और कहते हैं जी बजाया जाए, ये मोहब्बत का तकाजा है, आपने कहा कि वो फिर अपने घरों पर जब कोई गम का मौका आया करे तो ऐसा किया करे। बाज़ लोगों का ख्याल ये है, मैंने कुछ लोगों को ऐसा कहते सुना भी है, या देहात में एक दो लोगों ने मुझसे भी इस बारे में कहा कि ये बताइए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मारकए कर्बोबला में, मैदान कर्बोबला में जो पहुँचे, तो चूंकि ये मारका हक व बातिल का मारका था,
बज़ाहिर इमाम आली मकाम और आपके अहलोयाल या आपके ख़ानदान या आपके रुफ़का वहाँ पर शहीद हुए, अलबत्ता यजीद फिर भी इमाम हुसैन के मुकाबले इस मार्के में हार गया और उसे शिकस्त मिली है। बेशक और इमाम हुसैन को इसमें अल्लाह ने नुसरत अता फरमाई है, फतह अता फरमाई है। चंद लोगों का ख्याल है कि हम मुहर्रम के अय्याम में जो ढोल बजाते हैं वो इमाम हुसैन की कुर्बानी पर नहीं, आपकी शहादत पर नहीं, बल्कि हम इसलिए खुश होते हैं कि वहाँ पर हुसैन उस जंग में यजीद के मुकाबले जीत गए, यजीद हार गया। यजीद के हारने पर हम खुशी का एहतमाम करते हैं, हम ढोल भी बजा लेते हैं, मतलब चंद जुहला इस तरह की बातें करते हैं। तो एक चीज तो ये हो गई कि वो कहते हैं जी हुसैन वहाँ पर जंग में जीत गए, और वो किसी ने कहा है मुनाफिकीन को जिक्र नबी यूं मार गया, थी गर्द गांव में और शहर तक गुबार गया, न उठ सकेगा कभी भी सवाल बैत का, हुसैन बैत फासिक का सर उतार गया। मुअर्रिखों के कलम तो बहुत उठे लेकिन किसी ने ये नहीं लिखा हुसैन हार गया। बेशक, बेशक। तो इमाम हुसैन की यकीनन शानदार फतह आपको अल्लाह ने अता फरमाई, नुसरत अता फरमाई, क्योंकि यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं, यजीद की कब्र कहाँ है पता नहीं, इमाम हुसैन का रोजा चमक रहा है, मरजे खलायत बना हुआ है, इमाम हुसैन का मिशन जिंदा है, यजीद हार गया हुसैन जीत गए। ये चीज जो लोग बयान करके कहते हैं कि अब कोई कराहत नहीं बजाने, तो अब आप क्या फरमाएं? अच्छा अच्छा माशाल्लाह, अच्छा सवाल है आपका। पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि बात अभी वो चली रही थी, जश्न मनाने की बात कही कि भाई हमारे नज़दीक इमाम अली मकाम जीते हैं तो हम उनकी जीत का जश्न मनाते, इसलिए ढोल बजाते हैं। तो इस्लाम ने जश्न मनाने का भी जो हुक्म है, जो तरीक़ा कार है और जो गुंजाइश है उसको वाज़ह किया है, और ये जो ढोल बजाना है ये जश्न मनाने से खारिज है। हम जो कह रहे हैं बार बार कि जश्न मनाते वक्त ढोल बजाया जाता, तो वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, वो तो अग्यार का हिस्सा है, दूसरों का हिस्सा है। तो पहली चीज़ तो ये कि इस्लाम में ढोल की गुंजाइश ही नहीं है, तो जश्न मनाने के तरीके में आप ढोल शामिल करें, नगाड़े शामिल करें, और जबकि हदीस सरकार है कि मैं इस सबको मिटाने आया हूँ, तो हाँ सराहत के साथ मौजूद है। तो पहली चीज़ तो ये कि जश्न मनाने के लिए भी इस्लाम ने पैमाना दिया है, उसके खिलाफ है ये। दूसरी चीज़ बिलफर्ज ऐसा है नहीं, मान लिया जाए उनकी बात जो लोग ये कहते हैं कि हम जश्न के तौर पे मनाते हैं, तो फिर उनसे पूछा जाए अगर आप जश्न मनाते हो तो फिर सीना क्यों कूटते हो, छाती क्यों कूटते हो, या ये क्या है, हाय हुसैन ये क्या हो गया, जश्न में कोई मातम तो नहीं करता। जी जी नवाखानी नहीं, हाँ वही वही हम बोल रहे हैं, तो फिर ये क्या है, हाय मौला हुसैन ये क्या हो गया, हाय इमाम आली मकाम ये क्या हो गया, हाय हुसैन क्या हो गया, तो फिर ये क्या है। तो कुल मिलाकर के ये इनके दाव पेश हैं, ये जहालत है और कुछ नहीं है। कुल मिलाकर के फाइनली हम आपको बताते हैं कि ढोल का तो किसी भी एंगल से किसी भी तरीके से इस्लाम में कोई वजूद ही नहीं है। ये लोग दरहकीकत बचाव का एक रास्ता तलाश करते हैं। जी 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 कि हम जो हराम काम कर रहे हैं तो इसको कोई रास्ता निकालें ताकि हम बच जाएं और काम भी होता रहे। जी जी। और ऐसे ही मौलवियों को भी लोग तलाश करते हैं जी, तो उन्हें कोई ना कोई रास्ता निकाल कर दे दे। आपने दुरुस्त फरमाया। इसके साथ साथ इसी से जुड़ा हुआ एक मामला और है, जहाँ तक जश्न की बात है और जहाँ तक ढोल की बात है। जश्न की बात तो आपने बिल्कुल वाज़ेह कर दी, ढोल का सवाल जहाँ तक है कि जी ढोल बजाना खुशी मनाना, तो लोगों का ख्याल है कि हुजूर जब हिजरत करके मक्का से मदीना आए तो चूंकि मक्का में अहले मक्का ने बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ की थी, जुल्मों से तम की, तकालीफ का सामना था, शेबे अभी तालीब के अंदर 3 साल जो गुजरे हैं वो बड़े सख्त गुजरे हैं, पत्ते चबा कर सूखा हुआ कोई टुकड़ा चमड़े का मिल जाता था उसको पानी में धोया, उसको फिर कूटना, कूटने के बाद में उसको पानी में घोल कर लोगों ने पीकर उसको गुजारा किया, अपने शिकम की आग बुझाई है। बड़ी सख्तियों का वो दौर गुजरा, फिर हिजरत का हुक्म हुआ तो हिजरत हुई, हिजरत करके सहाबा जब आ रहे हैं तब भी उन पर ज्यादतियाँ हो रही थी, तब भी तकालीफ का सामना था,
फिर हुजूर मदीना तशरीफ ले आए, और जब हुजूर तशरीफ लाए तो फिर मदीना में खुशी हुई। फिर 10 बजे फिर तलाल बदर वालीना की सदाएं बुलंद हुई, तक बजाए जा रहे हैं, बड़े शान से हुजूर का जुलूस भी निकाला जा रहा है। लोग कहते हैं जब हुजूर मदीना आए तो उस वक्त में दफ बजाया गया, दफ बजाया गया, तराने गाए गए और हुजूर का जुलूस भी साथ साथ निकला। तो क्या इस लिहाज से जब हुजूर का जुलूस मदीना में निकल सकता है, दफ बजाया जा सकता है, तो इमाम हुसैन की मोहब्बत में क्या यहाँ हिंदुस्तान में हम जुलूस नहीं निकाल सकते? क्या हम यहाँ पर ढोल नहीं बजा सकते? ढोल बजा कर जुलूस, मेरा मुराद, मेरी मुराद जो है वो ये जो 9 तारीख को गश्त निकलता है, कहते हैं जी उधर हुजूर का जुलूस भी निकला था ना, एक ऐसे ही गश्त हुआ था, तो क्या हम 9 तारीख को ढोल बजाते हुए गलियों में नहीं निकले? बताएं नहीं दुनिया को क्या हम हुसैनी हैं, हुसैन के मानने वाले? इस तरह की भी लोग बातें करते हैं और कहते हैं, और कोशिश की जाती है, ये भी कोशिश ही है, एक रास्ता निकालने की। देखिए मोहतरम, पहली बात तो ये है कि तब और ढोल में ज़मीन आसमान का अंतर है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझ लिया जाए कि तब एक अलग चीज़ है, ढोल एक अलग चीज़ है, नगाड़े एक अलग चीज़ है। पहली बात तो दफ का हुक्म अलग है, ढोल ताशों का हुक्म अलग है, दफ के हुक्म में ढोल ताशे नहीं आ सकते, पहला तो ये। दूसरी बात कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर जब आप मदीना पहुँचे तो यकीनन वो आप देखें खुशी का मौका था, तो अहले मदीना ने दफ बजाई और खुशी का इजहार किया। ठीक है, अब यही तो बात है समझने के लिए। अब अगर आदमी इसको गहराई से देख ले तो उसके एतराज़ का, उसके सवाल का, उसका जवाब खुद ही मिल जाएगा कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए, वो एक अलग चैप्टर है कि मक्के में क्या हुआ, शेबे अभी तालिब में क्या सिचुएशन थी, कितने जुर्म सितम का सामना हुआ, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन मदीना वालों के लिए खुशी का मौका है कि जाने कायनात उनके बीच आ रहे हैं, महबूब परवरदिगार हमारे बीच आ रहे हैं। ठीक है, तो यकीनन ये उनके लिए खुशी का मौका था, और बहुत बड़ी खुशी जी, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती थी कि महबूब खुदा तशरीफ ला जी जी जी। तो खुशी के मौके पर उन्होंने बजाया क्या, दफ, ये भी ख्याल है। तो खुशी के मौके पर दफ बजाई ना, यहाँ क्या खुशी का मौका है? इमाम अली मकान की शहादत कोई खुशी का मौका नहीं है? इमाम अली मकान की सक्रीफाइस, उनकी कुर्बानियाँ, क्या इस पर खुशी मनाई जा सकती है कि शेर ख्वार बच्चे अली असगर के हलक में तीर लगा? क्या इस पर खुशी मनाई जा सकती है कि मुस्तफ़ा करीम के गुलशन के फूल 3 दिन तक प्यास और भूख की शिद्दत को बर्दाश्त करते रहे? क्या इस पर खुशी का इजहार किया जा सकता है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की पाकीज़ा बेटियां ऐसे मंजर में, ऐसे आलम में भूख और प्यास से लड़ती रहीं? क्या इस बात पर खुशी का इजहार किया जा सकता है कि इमाम अली मकाम के शहजादे अली अकबर को शहीद कर दिया गया, वो अली अकबर कि जिन को मुशाबियत थी मेरे नबी से, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबियत रखते थे, क्या इस पर खुशी मनाई जा सकती है? इमाम हसन के बेटे कासिम बिन हसन को शहीद किया गया, उनके शबाब को लूटा गया, कि इस पर खुशी का इजहार किया जा सकता है? शेर खार बच्चे के हलक में तीर मारा गया, कि इस पर खुशी का इजहार किया जा सकता है? इमाम अली मकाम के सर को नेजे पर चढ़ाकर घुमाया गया, बाजारों में परेड लगवाई गई, कि इस पर खुशी का इजहार किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता ना। तो फिर गम का इजहार किया जा सकता है, तो गम का इजहार करने का तरीका ढोल ताशे या दफ नहीं है। आका करीम मदीना मुनव्वरा गए तो वो खुशी का मौका था, तो उस पर दफ बजाई गई, और इमाम अली मकाम रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो मौका, उससे जो जोड़ा मामला है, वो गम का मौका है। इसमें किसी तरह की कोई चीज़ बजाने की बात जो अगर करेगा जी, करबला या उसके बाद या उसके पहले, तो हज़रत इसी से जुड़ी हुई एक चीज़ और है, करबला में या करबला के बाद या उससे पहले अहले बैत इकराम ने, मुस्तफ़ा की इस ख़ानदान ने, मुस्तफ़ा की आल ने क्या कभी ढोल ताशे बजाए, करबला में या उससे पहले मदीना में या उसके बाद? करबला के बाद आपकी ज़िंदगियां जो आगे
गुजरी हैं हयात ज़ाहिरी, वो चाहे वो लुटा हुआ काफिला आगे गया हो दमिश्क, या उसके अलावा मदीना वापसी हुई है मदीना में, क्या इन बावकार शख्सियात इन हस्तियों ने कभी ये अमल किया, इन्होंने ढोल ताशे बजाए? ऐसा कुछ तारीख में शायद मुझे तो नहीं मिलता, आप ज़रा वजाहत फरमाएं। देखिए मोहतरम, पहली बात तो ये आपने मजा फरमाया कि तारीख़ इस्लाम अगर खंगाली जाए, पूरी तारीख़ इस्लाम उठाई जाए, तो ऐसा किसी भी फ़र्द का जो अहले बैत अतहार से ताल्लुक़ रखता हो अमल नहीं करता कि उसने ढोल बजाया हो। दूसरी बात यह है कि करबला में या करबला के बाद, भाई चूँकि आज लोग बजाते हैं कि इमाम अली मकाम शहीद हुए, हम उनके उसमें बजा रहे हैं, तो अगर ऐसा ही मामला होता, अगर गुंजाइश होती तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन बजाते, दमिश्क का जो रास्ता था करबला से उस बीच में ढोल बजाया जाता, या करबला में शहादतों के बाद बजाया जाता, चाहे वो ये जो लोग पेश करते हैं कोई भी एंगल से देखा जाए, ठीक है। अहले बैते अतहार से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी फ़र्द नहीं जिसने ये अमल किया हो। अब आगे बढ़ते हैं, ये अमल किया किसने? किया किसने? जी, अहले बैते अतहार में से आप फ़र्दन फ़र्दन सबको देख लें जो उस मौके पर थे या उसके बाद रहे या उससे पहले रहे, किसी का भी ये अमल नहीं। ये अमल दर हकीकत है किसका? जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की नवासी की शहादत हुई और उसके बाद ये काफिला जब दमिश्क की तरफ रवा हुआ, दमिश्क की तरफ चला, खैमों को आग लगाई गई, कैदी बना लिया गया, बंदी बना लिया गया, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी उसमें शामिल थी और इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी उसमें शामिल थे। जब इन हजरात को कैदी बनाकर, बंदी बनाकर दमिश्क ले जाया गया, तो जब ये लोग दमिश्क में पहुंचे, यजीद का दरबार जब करीब हुआ और यजीद को ख़बर पहुंची, चूँकि कोई भी काफिला जाता तो उसके पहुंचने से पहले ही ख़बर कर दी जाती है एलची वगैरह के ज़रिए, कासिद वगैरह के ज़रिए, तो यजीद के दरबार में ये ख़बर हो चुकी थी कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया जा चुका है और उनके सर को नेज़े पर रख कर के लाया जा रहा है। लिहाजा उन लोगों ने अपनी जीत का जश्न मनाया और ढोल ताशे का अहतमाम किया। तो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके नज़दीक, उनके अकॉर्डिंग यजीदियों के नज़दीक अहले बैत अतहार के अफराद को शिकस्त हुई, यजीदियों के नज़दीक और यजीद के नज़दीक उन्हें जश्न मनाना था, उन्हें फतह नसीब हुई उनके अकॉर्डिंग, उनके ख्याल के मुताबिक वो ये समझ रहे थे हम जी जी। तो इसीलिए जो है उन्होंने इस काफिले के आने से पहले और आने के बाद भी ये मिलता है तारीख में कि इस खुशी में कि हम जीत गए, हमने शहीद कर दिया, हमने कत्ल कर दिया, इस पर ये ढोल यजीदियों ने बजाया, नगाड़े बजाए गए, नक्कारे बजाए। अब दर हकीकत उन लोगों को सोचना चाहिए जो इमाम अली मकाम के नाम पर ये काम कर रहे हैं, अब गौर व फिक्र करें वो लोग कि क्या ये काम हुसैनियों का है या यजीदियों का है, ये किसका काम है, ये वाज़े हो गए। खुलासा कलाम ये है जी कि ये ढोल बजाना ये यजीदियों का काम है जी, और उन्होंने किया जी। तो लिहाजा जो काम इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीद और यजीदियों ने किया, अगर उसको भी आज कोई करे तो साफ बात है कि वो उसी को अपना रहा है और उसी को फॉलो कर रहा है, उन्हीं लोगों को फॉलो कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, आपने वजाहत फरमाई, और नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस पूरी गुफ्तगू को तवज्जो से सुना, और मुझे यकीन है आप नतीजे पर खुद भी पहुँच गए होंगे। ये वाज़े हो चुका है कि ढोल ताशे बजाना और ये तमाम काम जो ये खुराफात हैं, ये हुसैनियों का तरीक़ा, हुसैन का तरीक़ा नहीं है, ये यजीद और यजीदियों का तरीक़ा है। दरख्वास्त बस इतनी सी है कि इन सब से बचें, अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों अहबाब को, अपने घर वालों को इन तमाम बुरे अफ़ाल से बचाएँ और ख़ुद भी बचें। अल्लाह तबारक व ताला मुझे,
हम सबको नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ आज की गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम लोगों को और इस उम्मत को ख़ास तौर पर अपनी हिफ्ज़ो पनाह अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।